हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने ऑल न्यू सफारी 2024 का, सरप्राइजिंगली, क्योंकि देखने से पता नहीं लगता कौन सा वेरिएंट है, ये है इसका स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट। मतलब आप ये समझ लो बेस मॉडल ही है ये। कोई भी नहीं बताता कि भाई सामने से LED लैंप है और ये जो बीच की लैंप है ना, ये भी कनेक्टिंग है, मतलब कनेक्टिंग DRL। यहाँ पर ये बड़े बड़े से व्हील जो कि अलॉय हैं, और ऊपर से इतना शानदार लुक, सफारी की रोड प्रेजेंस। इन सारी चीज़ों के बाद कोई भी मॉडल पूछता ही नहीं है, लेकिन भाई ये सीरियसली बेस मॉडल है इसका, स्मार्ट ऑप्शन नाम से। अगर कीमत की बात करें तो कीमत है जस्ट 16,69,000 रुपये। अब इसके आगे मैंने जस्ट इसीलिए लगाया क्योंकि भाई ये 32 लाख रुपए तक पहुंचती है। और ये वाला जो वेरिएंट है अपना, यहाँ पर टाटा मोटर गोला गणपति हल्द्वानी में, उत्तराखंड में ये पड़ रहा है मोटा मोटा 19,50,000 रुपए का। अब कहाँ 32 लाख, कहाँ 19.5 लाख, आप समझ रहे हो बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन ये जो फ़र्क है पैसों का, ये आपको अंदर ये फील नहीं कराने देगा। रोड प्रेजेंस बिल्कुल सेम है। अगर हम चौड़ाई की बात करें इस वाइट कलर में, माइटी सफारी बिल्कुल फील करा रही है ये। चौड़ाई है इसकी 1922 mm, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। बात करें यहाँ पर तो वाइट कलर के साथ, और वाइट भी नॉर्मल नहीं है, सॉलिड वाइट नहीं है, मेटैलिक वाइट आपको मिल जा रहा है। बात करें यहाँ पर तो DRL आपको मिल जाती है, और ये बीच वाला जो पोर्शन है ये ऐसा नहीं है बेस मॉडल में बाकी कंपनीज की तरह केवल ब्लैक ही करते, मतलब कोई लाइट नहीं है। ये भी अपना हेडलैम्प जलाते ही DRL, मतलब कनेक्टिंग DRL वाला काम करता है। उसके ऊपर से यही DRL अपने कन्वर्ट हो जाते हैं ये अपने ब्लिंकर्स में, जैसे आपको दिख रहा है। पूरा का पूरा जो ब्लैक है वो कंप्लीट ग्लॉसी ट्रीटमेंट के साथ है। यहाँ पर आ जाते हैं हेडलैम्प यूनिट पे, तो ये मिल रही है आपको वाइट कलर में LED में। बेस मॉडल में आपको हेलोजन नहीं लगा के दिया, एक ही आपका यहाँ पर प्रोजेक्टर मिल जाता है जो कि हाई एंड लो का काम करेगा। नीचे कोई भी इसमें फॉग लैम्प नहीं है, लेकिन आप शोरूम से ही लगवा सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर आ जाएँ तो मिल जाती है फ्रंट की स्किड प्लेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर फील होती है। ऊपर इसीलिए फील हो रही है क्योंकि इसका जो अप्रोच एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है पहले से। ओवरऑल वाइट कलर में जितना भी ब्लैक ट्रीटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, और जो रोड प्रेजेंस इसकी बनती है ना, मतलब किंग वाली, रोड पे किंग वाली, वो बिल्कुल दिखती है। साथ में डिटेलिंग देखो, छोटा छोटा आपको यहाँ पर भी सफारी मिल जाता है, और उसके साथ यहाँ से स्कोप्स दिए हुए हैं जो कि इस तरफ से निकल जाते हैं। जो भी बाहर से हवा लगती है वो सीधा सीधा टायरों की तरफ चले जाते हैं, जिससे रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाता है। तो ये है सामने का लुक। आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ये है साइड से गाड़ी। फ्रेम में पूरा लेने के लिए काफ़ी पीछे होना पड़ता है। ये देखो 1x पे अगर करता हूँ तो ये है हाल इसका, बहुत लंबी है। लंबाई है कितनी, 4668 mm की, 4668 mm। उसके साथ बढ़िया चीज़ है, इस वेरिएंट में भी आपको मिल जाते हैं अलॉय व्हील। ये वाले अलॉय व्हील पहले टॉप मॉडल्स में आते थे, अब इसमें बिल्कुल बेस मॉडल में मिल जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर सेक्शन 235/65/R17 17 इंच का व्हील है, उसके साथ डिस्क ब्रेक आपको हाँ भाई चारों के चारों व्हील्स में स्टैंडर्ड मिल जाती है, जो कि अच्छी चीज़ है। व्हील बेस है इसका 2741 mm 2741 mm। उसके साथ साथ अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे वो मिल जाता है मोटा मोटा 205 mm का, जो कि इस तरह की गाड़ी के लिए बहुत बढ़िया है। सफारी की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके साथ अगर मिरर की बात करें तो मिरर हाथ से ही फोल्ड होंगे, लेकिन अगर एडजस्टमेंट की बात करें वो आपको मिल जाते हैं इलेक्ट्रिकली। साथ में मिल जाता है LED ब्लिंकर, तो कहने के पूरा का पूरा ऊपर के वेरिएंट वाला फील आपको मिल जाता है। बी पिलर ब्लैक डाउट है, सी पिलर ब्लैक डाउट है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रीमियम फील आ रहा है। ऊपर हो गई अपनी वही वाला सब कुछ जो साइड प्रोफाइल में लुक है ना, वही वाला है जो ऊपर के वेरिएंट्स में मिलता है। रूफ रेल दिख जाती है, उसके साथ साथ आ जाते हैं यहाँ पर तो ये मिल रहा है आपको फ्यूल फिलर कैप, 50 लीटर की डीजल की टैंक कैपेसिटी इसमें आपको मिल जाती है। आ जाते हैं रियर की तरफ, लेकिन रियर में जो जादू है इसके लुक का, नई वाले 2024 का, वो एक बार देखते हैं। ए यहाँ टिंग 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 हो गई है शुरू, आपको पहले दिखा देता हूँ सामने। ए ये देखो यहाँ पर अपना पूरा कनेक्ट हो गया। अब यही चीज़ देखते हैं पीछे, कि पीछे भी ये जलवे रात को देखने को, ओए होए हो, बिल्कुल है भाई है, पैसा वसूल है वेरिएंट। रीज़न आप देख लो, कहीं भी कॉस्ट कटिंग आपको देखने को नहीं मिल रही, वही ऑलवेज ऑन मोड में, जैसे ही हेडलैम्प अपनी ऑन होगी वही वाला आपको पूरा का पूरा लुक मिल जाएगा, कनेक्टिंग टेल लैम्प वाला। यहाँ पर नीचे आ जाता है तो ये मिल रहा है आपको यहाँ पर रिवर्स लैम्प, उसके साथ इंडिकेटर भी अपना LED वाला ही है, जो कि बहुत सही चीज़ है। ऊपर यहाँ पर कोई भी वाइपर नहीं है, कोई भी डिफॉगर नहीं है, लेकिन शेर और उसके बच्चे, उसकी मतलब शेर शेर नहीं, पूरा फैमिली फैमिली वाली गाड़ी है भाई, 7 सीटर है इसीलिए। ऊपर हो गया हाई माउंट स्टॉप लैम्प, और पूरी की पूरी अगर प्रोफाइल देखें तो सफारी बड़ा बड़ा यहाँ पर लिखा हुआ डोमिनेट करता हुआ दिखेगा। जैसे आगे आपको काफ़ी ज़्यादा सिल्वर कलर में स्किड प्लेट दिखती है, वैसे ही रियर में भी दिख रही है। एक दो पॉइंट हो गए,
रियर पार्किंग सेंसर। कोई कैमरा वगैरह इसमें नहीं है क्योंकि अंदर कोई म्यूजिक प्लेयर भी नहीं है, अभी वो जाके दिखाता हूँ। फिलहाल बाहर बाहर से हो जाती है गाड़ी कंप्लीट। ये है सफारी का एलॉय वेलॉय लगा हुआ, मतलब टिच दिखता हुआ स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट, बेसी मॉडल है ऑलमोस्ट। इससे नीचे भी एक और आता है, वो भाई शोरूमों पर ही नहीं आता, इतना ही ज़्यादा रह रहा है क्योंकि उसे कोई मांगता ही नहीं है। जो भी मांगता है वो यही कहता है भाई 60-65 हज़ार रुपये ऊपर हमसे ले लो, लेकिन छुटपुट जो फीचर है वो तो दे दो। तो इसीलिए हर कोई इसी वेरिएंट की तरफ जाता है। बेस मॉडल में कीमत है इसकी 16,69,000 रुपये, 16,69,000 रुपीज़ एक शोरूम। और मैं हूँ उस समय गोला गणपति हल्द्वानी में, यहाँ पर ही आपको उत्तराखंड में ऑन रोड पड़ रही है लगभग लगभग 19,50,000 रुपये की, 19,50,000 रुपीज़। आ जाते हैं आप इसके अंदर की तरफ कि अंदर क्या क्या कहानी है। ओहो बहुत सही भाई, पूरा का पूरा अपना यहाँ पर देख रहे हो, सब कुछ सॉफ्ट टच है, फैब्रिक है, ये चारों पावर विंडो हैं। उसके साथ अगर बात करोगे लीवर की तो वही मेटल वाला फील मिल रहा है, प्रीमियम वाला। ठीक, हैंडल वाली ना यहाँ पर वो नहीं है, मुझे लगा भाई बिल्कुल इस तरह के देख रखी है। देखो फिनिश ऐसी है, ऐसा लग रहा है देखने में ये भी लेदर रैप्ड है, लेकिन नहीं प्लास्टिक है। नीचे बॉटल होल्डर, उसके साथ तमाम सामान रखने की जगह है। और 1, 2, 3, 4 चारों पर चारों डोर में स्पीकर ग्रिल आपको मिल जाती है। वैसे ग्रिल तो आपको यहाँ पर भी मिल रही है ट्विटर वगैरह की, लेकिन इसमें कोई भी स्पीकर वगैरह नहीं मिलता क्योंकि म्यूजिक प्लेयर नहीं है। आप इसमें म्यूजिक प्लेयर के साथ वो लगवा जरूर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। लैंप ये बहुत सही है भाई, ये आपको मिल जाती है अंधेरे के टाइम पे, सारी गाड़ी की लाइट वाइट आपने बंद कर दी और ये डोर खोल दिया, पीछे से कोई भी बंदा आ रहा है जिसे नहीं पता लग रहा अंधेरे में कि कोई गाड़ी का दरवाज़ा खुल रहा है, तो ये लाइट उसको अलर्ट कर देती है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत सही चीज़ है। आ जाते हैं यहाँ पर तो सीट अपनी वही जो स्टैंडर्ड सफारी वाली हैरियर वाली, वही आपको मिल जा रही है, कंफर्टेबल है। सफारी की सीटों में कभी भी किसी ने शिकायत नहीं करी, इवन जो 7 सीटर कैटेगरी में अगर कहते हैं थर्ड रो तक अगर सबसे ज़्यादा कंफर्ट किसी को मिलता है तो वो सफारी में ही है। ठीक है, बाकी एयर बैग बहुत सही, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 एयरबैग इसमें आपको मिल जाते हैं। सीट फिक्स हाइट की है, कोई भी एडजस्टमेंट आपको इसमें नहीं मिलता। हाँ हेडरेस्ट एडजस्ट हो जाते हैं, बाकी ये रिक्लाइन इस तरह से आगे पीछे एडजस्ट हो जाएगा। अब जरा इसमें बैठते हैं और ज़रा आपको दिखाते हैं अंदर के जलवे। तो ये बात, इसको कर लेते हैं बंद और एक बार चाबी लगा के, चलो चाबी देख लो भाई। ये है बिल्कुल सिंपल सीखी। अब आप कहोगे भाई इसमें बटन वटन नहीं है, तो नहीं कोई भी वैसे सेंट्रल लॉकिंग नहीं है, लेकिन अगर वैसे करते हैं चाबी से बाहर से लगा के करते हैं तो इसमें ज़रूरी है, मतलब केवल केवल रिमोट इसमें अपना लग जाएगा। चाबी को लगाते हैं क्लच दबा के। अच्छा यह है कुछ यहाँ पर हमारा सिस्टम, कंप्लीट डिजिटल अपना यहाँ पर दे रखा है। अरे भाई क्या ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है तभी मैं कहूँ धीरे 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 तेज क्यों हो गया। चलो कोई बात नहीं, एक बार स्टार्ट ही कर लेते पहले। वाह भाई वाह, स्टार्ट हो गया, अभी दिख नहीं रहा ना क्योंकि मैंने लैंप चला रखे, अब आया। हाँ तो भाई ये पूरा का पूरा अपन को इस बेस मॉडल में जब शोरूम से हम लेंगे लेआउट मिलेगा डैशबोर्ड का। सिर्फ यहाँ से इसीलिए अजीब सा लग रहा है क्योंकि कोई भी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं है, मतलब म्यूजिक प्लेयर नहीं है तो डिस्प्ले नहीं है, सिर्फ यही कमी लग रही है। लेकिन यहाँ से ले जाओगे शोरूम से आप तो डायरेक्टली कहीं भी लगवा लोगे, नहीं तो शोरूम में भी अपना ये फिट हो जाता है। सिर्फ ये कमी पूरी, बस काम पूरा। तो यह पूरा का पूरा स्टॉक कंडीशन में लेआउट। अगर स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग पे फील अपना बिल्कुल वही है, देखो रबराइज्ड है ये। ठीक, उसके साथ साथ फ्लैट बॉटम है और साथ में देख रहे हो बिल्कुल साटन सिल्वर फिनिश यहाँ पर दी हुई है। और बढ़िया चीज़ है यार, वही ऊपर के वेरिएंट में जैसा मिलता है ना स्टैंडर्ड ही कर दिया है, बैकलिट वाला आपको मिल जाता है टाटा के लोगों के साथ। स्टेयरिंग व्हील एडजस्टमेंट एक बार इसमें चेक करते हैं, ठीक है, टिल्ट है और अच्छा टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट है, अच्छी चीज़ है। उसके साथ हेडलैम्प का स्टॉक देखते हैं तो ये मिल रहा है आपको मैनुअल, और साथ में यहाँ पर मिल जा रहा है वाइपर का स्टॉक, वो भी मैनुअल है। अब देख लेते हैं जरा क्लस्टर में आपको क्या क्या मिल जाता है। सबसे पहली जो इंप्रेसिव चीज़ है वो ये कि क्लस्टर इसमें भी डिजिटल आपको दिया हुआ है, बहुत सही। यहाँ पर हो गया अपना टैको, वाह भाई वाह, डिजिटल फॉर्म में यहाँ हो गई भाई, घुराहट तगड़ी आ रही है ना देखो, वाह भाई वाह। यहाँ पर हो गया अपना ओडो, उसके साथ साथ ये हो गई डिजिटल फॉर्म में स्पीड। और भाई ये देखना आप नीचे जो दिख रही है इन्फॉर्मेशन, तमाम इन्फॉर्मेशन है वो यहीं से अपनी चेंज हो जाएगी, जैसे लेआउट हुआ, एसी इन्फो, यहीं से ओके करके आप इसको देख सकते हो। जैसे लेआउट है इसको भी आप चेंज कर सकते हो, डायल व्यू, ये व्यू। ठीक, साथ में आ गए यहाँ पर, यह आपको सातों के सातों बंदों के लिए सीट बेल्ट का रिमाइंडर मिल जाएगा। जैसे अभी मैं बैठा हूँ केवल, तो यहाँ पर यह रेड हो गया ड्राइवर साइड वाला, बाकी ये डिस्टेंस टू एम्प्टी है, यहाँ पर रेंज दिखाता रहेगा। उसके साथ ये है अपना इंजन का टेम्परेचर, साथ में फ्यूल गेज, बहुत। और देखो ऊपर
यहाँ टेम्परेचर कितना सेट है ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्प्ले तो है नहीं ना। जैसे इसे हम कम करेंगे, देखो वहाँ पर कम होता जा रहा है, 23-22 ये दिख रहा है ये, तो इसका जो डिस्प्ले है वो भी वही काम करेगा। साथ में ये हो गया फैन की स्पीड कम ज़्यादा और साथ में मोड। चलो भाई ये हो गई यहाँ की कहानी खत्म, देखने में बढ़िया है, ये अच्छी चीज़ है। आ जाता है यहाँ पर तो मस्त सा फिनिश दिया हुआ है, ये है अपना फिनिश, अच्छी है ना, छोटे छोटे से ग्रेनी ग्रेनी से इफेक्ट है। उसके साथ यहाँ पर अपना म्यूजिक सिस्टम लग जाएगा, जो भी आप लगवाओगे, 9-10 इंच 12 इंच कुछ भी, बहुत तमाम ऑप्शन है इसमें। यहाँ पर हो गया ऑटोमेटिक एसी, साथ में फिनिश बढ़िया दी हुई है। नीचे आ जाता है तो ये आपको रबराइज वाला पैड मिल जा रहा है, इस पर फ़ोन रखो, कुछ भी स्लिप वगैरह नहीं होगा। साथ में सिक्का विक्का रखने की जगह ये हो गई। मैनुअल है इसीलिए आपको यहाँ पर 6 स्पीड का गेयरबॉक्स मिल जाता है, और रिवर्स लगाने के लिए अपना देखो टी हो जाएगी, बाकी कुछ भी यहाँ सिंबल वगैरह नहीं आएगा, ठीक। बाकी हैंड ब्रेक अपनी वही शिप वाला फील देती है, ठीक। साथ में अपना आ गया आर्म रेस्ट, और अंदर भी तमाम अपना देखो 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पर हो गया टाइप ए वाला यूएसबी पोर्ट, और साथ में अरे वाह भाई वाह, फास्ट चार्जिंग के लिए टाइप सी वाले यूएसबी पोर्ट, बाकी स्पेस तो है ही। और करते हैं बंद, यहाँ पर आ जाते हैं डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल मिरर मिल जाता है आपको, उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। बाकी पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है उसका स्टेटस आपको यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि उसे भी आप ऑफ कर सकते हो। बाकी लैंप ये हो गई वाइट कलर में, LED बढ़िया है। और क्या चीज़ बची, अंदर बैठ के आपको बड़ी बड़ी गाड़ी वाला फील इसमें बिल्कुल मिलने वाला है। और देखो यहाँ पर ये ग्लॉसी पार्ट है, ये रैप वैप इस समय चढ़ी हुई है यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन अगर पूरी तरह से यहाँ डिस्प्ले डिस्प्ले लग के वाइट स्क्रीन वाला लग जाए तो कौन कहेगा इसे नीचे का वेरिएंट, खुद बताओ जरा, कहीं से कोई चीज़ कमी लग रही है, कहीं कुछ खुरखुरा वुरखुरा या कंप्लीट ब्लैक ही दे दें, ऐसा कुछ नहीं कर रखा। बढ़िया अपलिफ्टेड वाला यहाँ पर आपको इंटीरियर मिल जाता है, ठीक। अब क्या करें, अब दिखाते हैं पीछे की, क्योंकि भाई सफारी है ये, पीछे की रो भी उतना इंपॉर्टेंस रखती है। बाकी ABC पैडल यहाँ हो गए, और ओहो कोई भी इसमें आपको डेड पैडल नहीं मिला, ये थोड़ी सी कमियाँ। हाँ चलो अब जरा दिखाते हैं पीछे का माहौल, बड़े डोर खुलते ही फील करा देता है ये कि भाई सफारी के डोर हैं। बाकी डबल डेकर आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, बोतल रखो, फ़ोन रखो, कुछ भी रखो, पीछे भी आगे की तरह सॉफ्ट टच है सब कुछ। उसके साथ ही होगी पावर विंडो, ये यहाँ से करा अनलॉक, अब दिखाते हैं ये देखो, ठीक है, ये हो गई पावर विंडो। बाकी क्या है, बाकी चौड़ी सी सीट है, आराम से 3 बंदे बैठते हैं इसमें खुले होकर, अभी अच्छे समझो। उसके अलावा अगर आपको फोल्ड वोल्ड करनी है तो यहाँ पर आपको लीवर मिल जाता है इस तरह से। और बाकी पीछे के लिए, सबसे पीछे जाने के लिए मेन जो सीट है वो वही वाली दी हुई है। चलो इसे एक बार यहाँ से ये हो गई खड़ी, चौड़ाई अच्छी खासी है, एक बार आपको बैठ के दिखाते हैं जेबा। हाँ ये देखो AC वेंट यहाँ पर दिए हुए हैं पिलर में, और सीट बेल्ट का भी अपना हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। मैं इंप्रेस इसीलिए हो रहा हूँ इन छोटी छोटी चीज़ों से, क्योंकि नीचे के वेरिएंट्स में ये चीज़ काट देते हैं, लेकिन यहाँ पर दे रखी है कंपनी ने। लेग रूम देखो यार क्या ही है, राजाओं वाली ज़िंदगी है बीच वाली रो में, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर फ़ोन वोन रखने की जगह दी हुई है, क्योंकि आप कुछ भी चार्जिंग पे लगाओगे तो यहाँ पर भी दो दो पोर्ट दिए हुए हैं, तो फ़ोन वगैरह यहीं रख दोगे ना। हम थोड़ा सा आपको ऊंचा मिलने वाला है, लेकिन ज़्यादा चौड़ा ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बंदा यार बहुत जगह है यहाँ, एक पैर इधर मस्त। अच्छा सफारी है तो भाई स्टैंडर्ड चीज़ें दे रखी है, देखो बॉस वाला मोड भी इसमें मिल जाता है, मतलब लीवर को आप इस तरह से घुमाओ और अपना सीट को आगे कर लो, पीछे बैठे बैठे ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ड्राइवर से आप बोलोगे नहीं कुछ, है ना। एक्स्ट्रा लेगरूम चाहिए होता है ना बॉस साहब को, ठीक। अब उसके अलावा क्या है, उसके अलावा आ जाते हैं और जो पीछे आपको स्पेस दिया हुआ है उस पर यहाँ पर, हाँ ये देखो जो बता रहा था जे बात, हाँ और ये बात, यहाँ से इसको फोल्ड करके आप जाओगे पीछे। अब इसको सबसे ज़्यादा स्पेशियस थर्ड रो क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप इसका अंडर थाई सपोर्ट देखो ज़रा पूरी तरह से, मतलब आप अच्छे खासे कंफर्ट के साथ बैठते हो। ये पीछे की सीटें कॉम्प्रोमाइज़ करके बूट स्पेस बढ़ा देती कंपनी, तो ये बाकी की लीग में आ जाती, लेकिन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल 7-सीटर, मतलब आप वो फॉर्चुनर की बराबरी मत करना, मैं इस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, तो यही ऑफर करती है। उसके अलावा यहाँ पर भी आपको पोर्ट दिया हुआ है ना, पीछे अपना 50-50 फोल्डर लाओ वो भी दिखा देते हैं, इसको किया यहाँ से और इसको किया यहाँ से, ये देखो ये
इस तरह से अपना 50-50 फोल्डिंग दी हुई है। अगर सात बंदे नहीं है कोई बात नहीं, आप इसको फोल्ड कर लो ये ऐसे करके, ये देखो फोल्ड करके आप सामान रख सकते हैं यहाँ पर, वो हल्की सी सीट आगे होगी, ये पूरा का पूरा फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से जो बूट स्पेस है उसे मैनेज भी कर सकते हो। इन दोनों को फोल्ड करके जो बूट स्पेस है वो 420 लीटर का मिल जाता है, लेकिन अगर आपको लोगों को बिठाना है तो उनको भी पूरा कंफर्ट मिलता है। ये देखो लास्ट रो के लिए भी आपको डेडिकेटेड अपने जो एसी वेंट है वो मिल जाते हैं, और उनका नॉब दिया हुआ है यहाँ पर, है बढ़िया। कुछ भी छोटपुट सामान वामान रखने के लिए, मतलब चिप्स खा रहे हो कुछ खा रहे हो, वो यहाँ पर जगह दे दी है। फ़ोन रख दो इसमें चाहे, का फोल्डर दिया हुआ है डेडिकेटेड, है ना। और पीछे भी आपको यहाँ पर एक ग्रिल मिल जाती है, इसमें आप एक्स्ट्रा सबवूफर वगैरह लगवा सकते हो अगर आपकी चॉइस है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस और रिच अपना जो कैबिन है वो मिल रहा है इसमें। सारे एडजस्टमेंट सीटों में वो मिल जाते हैं, सबको डेडिकेटेड एसी वेंट्स वो मिल जाते हैं, और उसके अलावा जो अपना प्रीमियम डैशबोर्ड है वो तो मिल ही रहा है, ठीक। बाकी स्पेयर व्हील वगैरह एक्सेस करने के लिए इसको यहाँ से उठाओ और अपना जो नट है उसको ऐसे 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 घुमा दो, काम खत्म, नीचे आ जाएगा अपना स्पेयर व्हील। चलो भाई इसको कर देते हैं अपने बंद, कर दें, चलो ए हाँ हो गया, पूरे बड़ा इजीली, ठीक है। अब आ जाते हैं इंजन की तरफ। अरे गाड़ी अब तक स्टार्ट है भाई, पता नहीं चल रहा, अब कड़कड़ाहट बाहर से बिल्कुल फील नहीं करा रही कि हल्ला वल्ला हो रहा हो। चलो अब क्या करें, यहाँ से हाँ भाई बहुत गर्म हो रहा है। एक तो धूप, ऊपर से स्टार्ट था भारी से बोनट के नीचे। यहाँ पर आपको मिल जाता क्रायोटेक 170, वही जाना पहचाना जो काफ़ी टाइम से इसमें ड्यूटी कर रहा है। प्रिसाइजली 168 bhp ऑफर करता है, उसके साथ अगर टॉर्क की बात करें 350 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है। 2000cc है, डीजल ओनली है, 4 सिलेंडर है और रिफाइंड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर जैसे ही आप पंप करते हो तो आपको वो ग्रंट ज़रूर देता है, ये आपके अंदर फील ज़रूर कराएगा। प्रॉपर डीजल इंजन वाली बातचीत इसमें आपको मिल जाती है। और बात आती है माइलेज की, हाँ तो माइलेज भी अच्छा खासा देता है। मतलब कंपनी इसमें जो वो करती है ना ऑफ़र अपनी साइड से, कहती है कि भाई 16.3 का ये देगी आपको, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भाई 10-12 का दे रही है, क्योंकि वो इसकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस को सोख कर लेते हैं। लेकिन अगर अच्छे तरह से चलाओगे, 90-100 पे क्रूज़ करोगे हाईवे पे, तो ये 16-17 तक आपको बिल्कुल डिलीवर करती है इस तगड़े लुक के साथ, ज़बरदस्त सी रोड प्रेजेंस के साथ, और जो आइकॉनिक ये डिज़ाइन आया है फ्रंट वाला उसके साथ, मतलब कनेक्टिंग DRL, साथ में यहाँ पर LED ब्लिंकर, LED हेडलैम्प, और उसके साथ में यहाँ पर देख रहे हो आप अपने अलॉय व्हील, पीछे कनेक्टिंग टेल लैंप, सफारी वाला रुतबा, ये सारी चीज़ें आपको स्मार्ट ऑप्शन वेरिएंट में मिल रही हैं। कीमत है सिर्फ 16,69,000 रुपये, 16,69,000 रुपीज़ एक शोरूम। मैं हूँ इस समय टाटा मोटर गोला गणपति हल्द्वानी में, यहाँ पर ये आपको पड़ रही है ऑन रोड लगभग 19,19,000 रुपये की। 19,19,000 रुपये, अगर आपके पास जेब में मोटा मोटा 20,00,000 रुपये हैं और आप प्रॉपर 7-सीटर चाह रहे हो, तो आपके पास ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। सातों बंदे, मतलब जो पीछे बैठ रहे हैं ना, वो भी लड़ाई झगड़ा ना करें कि भाई हमें पीछे नहीं बैठना, सीट में मज़ा नहीं है, इसमें वो शिकायत नहीं होती, सीट में पूरा मज़ा आता है। हाँ अब बेस मॉडल है तो ऊपर सनरूफ नहीं है, इसीलिए आप इसमें अगर सामान एक्स्ट्रा रखना है, लंबे रूट पे जा रहे हो, तो कैरियर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि बूट पे किसी भी कैटेगरी में चले जाओ 7 सीटों के साथ आपको नहीं मिलता। लेकिन सही है, ओवरऑल वेरिएंट काफ़ी अच्छा दिया है, बस एक ही कमी है इसमें, एक रिमोट लग जाएगा सेंटर लॉकिंग वाला, और साथ में एक हेड यूनिट लग जाएगी म्यूजिक सिस्टम वाली, दैट्स इट, काम पूरा। गाड़ी आपको कैसे लगी, वीडियो आपको कैसा लगा बताना जरूर। आपको गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों का सब्सक्राइब करना संस्कार चैनल पर। जय हिंद।